एनटीपीसी कॉलेज के कैंपस में घुसे तेंदुए के बच्चों की मां आसपास होने से कैंपस में दहशत का माहौल। तेंदुए के बच्चों की चल कदमी का वीडियो आया सामने। शिवपुरी जिले के सतनबाड़ा क्षेत्र के एनटीपीसी कॉलेज के कैंपस में तेंदुए के 2 से 3 बच्चों को देर रात घूमते हुए देखा गया है। तेंदुए के बच्चों की चहल कदमी का एक वीडियो सामने आया है। सुखद बात यह है कि तेंदुए के बच्चे ही कॉलेज कैंपस में दिखाई दिए हैं, लेकिन उनकी माँ दिखाई नहीं दी है, लेकिन उसके आसपास होने की संभावना से कैंपस में भय का माहौल व्याप्त है। बता दें, यह इंजीनियरिंग कॉलेज देश का पहला एनटीपीसी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो शिवपुरी जिले में है। यहां देश भर के बच्चे डिग्री करने आते हैं। जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के पास बड़े सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास 2 से 3 तेंदुए के बच्चों को बीती रात देखा गया था। प्लांट के पास खेलते हुए तेंदुए के बच्चों का वीडियो किसी के द्वारा तेंदुए की एनटीपीसी कॉलेज कैंपस में दस्तक पुष्टि के लिए बना लिया है। बताया गया है कि एनटीपीसी कॉलेज कैंपस के चारों ओर ऊंची बाउंड्री वॉल बनाई गई है। इसके बावजूद तेंदुए के बच्चे कैंपस के अंदर प्रवेश कराए। हालांकि अभी एनटीपीसी कॉलेज कैंपस में तेंदुए के 2 से 3 बच्चों को ही देखा गया है, लेकिन बच्चों के साथ मां के होने की बात भी नहीं नकारी जा सकती। इसके चलते कैंपस के भीतर गर्ल्स हॉस्टल के छात्रों सहित अन्य छात्र और स्टाफ में भय का माहौल व्याप्त है। हालांकि तेंदुए के बच्चों के साथ कोई भी मादा और नर तेंदुए को नहीं देखा गया है। इस मामले में एनटीपीसी इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर राकेश सिंघाई का कहना है कि उन्हें कॉलेज कैंपस में तेंदुए के बच्चे देखे जाने की खबर मिली थी। एक वीडियो भी उनके पास आया है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पानी निकासी बाउंड्री के नीचे से होती है। संभवतः तेंदुए के बच्चे बाउंड्री के निचले हिस्से से कैंपस में घुस आए होंगे। उन्होंने इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को दे दी है। हालांकि दूसरी बार तेंदुए के बच्चों को नहीं देखा गया है।